हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बेड का बैग बना रखा है यहाँ पे अभी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये बेड का बैग बिना किसी प्लगइन्स या एक्सटेंशन की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वाले पहले हिस्से में ये थोड़ा फ्लैट टाइप दिख रहा है आपका बैड का फैब्रिक या कुशन जो भी हम लगाएंगे। एंड दूसरे में आप देखेंगे कि ये पफी टाइप है, ये ऊपर की उठा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले पे आते हैं। तो पहले में सिंपल कुछ भी नहीं है, इसमें हम फॉलो मी का यूज़ करेंगे और ये इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो तीन शेप हैं अलग अलग, एक तो रोम्बस है, एक ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, यही तीन शेप से बना हुआ है। तो इसे मैंने पहले ही बाहर कर लिया, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें आपको बस एक फॉलो मी यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसे आप डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से एंड सेंटर से ऊपर उठाइए। ठीक है, तो मैं हल्का सा उठाएंगे अभी, तो ये 0.75। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी उठा लेते हैं 0.75 एंड देन ये। अब हमें क्या करना है, आर्च टूल हम लेंगे, आर्च टूल से यूज़ करेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ ये है, जैसे ये लीन अभी लग रहा है तो इसके जो सिगमेंट्स हैं इन्हें कम कर लेंगे। जैसे 12 है तो 12 को 6 कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन अब इनको इरेज कर देना है। तो यही चीज़ जस्ट यहाँ पे भी करनी है, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ इनमें भी। लीजिए, इसके लिए मैंने रख दिया है वहाँ पे, फिर बाकी देखते हैं। ये हो गया, अब इस पर हम फॉलो मी यूज़ करेंगे। तो फॉलो मी लिया एंड ये देखिए, देखिए ये इजीली बन गया है। और बस इसमें थोड़ी सी आप और इसकी मोटाई बढ़ा देंगे तो इजीली आपको लगेगा। ये देखिए, और उसी तरीके से इसे है, हम इसे भी कर लेंगे। तो अब इस पे क्या करेंगे, इसे भी फॉलो में यूज करना है। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट अपलोड कर दीजिए और ये फॉलो में यूज कीजिए। ये देखिए, तो बीच में जो स्पेस बच गया है उसे फिल करके ऐसे मिटा दें। जो एजेस है उसे आप इरेज करके, कंट्रोल प्रेस करके इरेज करेंगे तो आपकी जो सरफेस है वो डिलीट नहीं होगी। एंड मैंने इसकी भी हाइट दे दी नीचे डर, ये देखिए। ठीक है, तो
उसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। एंड आपको बस नॉर्मली क्या करना है कि उसके बाद ग्रुप बना लेना है और एक कंपोनेंट बना लेना है। तो कंपोनेंट मैंने इसे दे दिया कंपोनेंट वन का नाम, और बस इजीली आपको इसे ट्रैक करना है इस तरीके से। ये मैं मल्टीपल कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, आपको नहीं पता कि मल्टीपल कॉपी कैसे करते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन्फिनिटिव कॉपी का एक छोटा छोटी छोटी वीडियोस हैं जो एक एक मिनट की होती हैं, वो मैंने बना रखी हैं। ये देखिए, अब इसमें हम जो इसके बीच में है इन्हें लगाएंगे। जैसे ये है तो सिंपली इन्हें कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा सर्कल लेके ऊपर बनाना है। तो हम इसे पहले बाहर ही बना लेंगे, ठीक है। देखिए, एक नॉर्मल सा सर्कल बना लें छोटा सा। यहाँ पर भी हम नॉर्मल सा एक फॉलो मी के लिए सर्कल बना के हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो इसे भी मैं 0.75 उठाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसे थोड़ा सा और नीचे करना, आप नीचे कर लीजिए। और ये देखिए यार, बिल्कुल आराम से बन गया है, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे पे, जो कि थोड़ा कॉफ़ी है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बस एक बार ही, ठीक है। तो इस पे आते हैं। ये देखिए, अब नॉर्मल आप इसे एक बना लीजिए, जैसे कि ये 4, मैं 4 इंच ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एक आर्च लेना है,
एंड आर्च की हाइट हम यू एक्स से सेट करके लेते हैं। ये देखिए मैं इसे लेता हूँ 0.75, ठीक है 0.75 एंटर, ये मेरी हाइट हो गई एक साइड से। तो इसी को आपको चारों साइड करना है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके एंड रोटेट कर लेता हूँ। तो मैं इसे डायगोनल से कर लेता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है तो ईजिली हो जाएगा। तो ये एक, ये दो, एक्स तो एंटर, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, जैसे इस लाइन को एज को सिलेक्ट किया, बस आपकी लाइन की एज सिलेक्ट करनी है और इसे इसके ऊपर कॉपी करना है। जैसे ये आपको बस लाइन की एज को कॉपी करना है और इसके ऊपर लगे आना है, जो दूसरे साइड की लाइन है उसके ऊपर, ठीक है। एक दो, उसी चीज़ को बस कॉपी करनी है आपको आराम से। हो गया। अब नॉर्मली इसी यही चीज़ आपको दूसरी साइड से करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइन बनाते चलें ताकि ये देखिए सरफेस भी क्रिएट होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम सा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको बस एक ही बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हम कंपोनेंट बना के इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे कहीं भी, ठीक है। एक एक बीच करके दूसरे पे आप कीजिए। चलिए ये तो नहीं होगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बस इसे ईजिली कर लीजिए, मैं इसे स्पीड में कर देता हूँ। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसी चीज़ को आप दूसरे, जैसे हमने इन लाइनों को कॉपी किया था वैसे ही आप इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और नॉर्मली आपको कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जितने भी आपके हैं उन डॉट्स को क्लियर करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अब ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा इन पे इन्हें ऐसे दोबारा कर दीजिए ताकि ये सरफेस क्रिएट कर दें। तो अब देखिए ये तो हो गया बिल्कुल, आप देख रहे हैं अब ये पफी टाइप दिख रहा है, लेकिन अभी ये लाइनें दिख रही हैं आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट करना है और हमें स्मूथ करना है इन्हें, ठीक है। तो स्मूथ पे जाएंगे, थोड़ा इन्हें पीछे करते हैं, बस ये देखिए हो गया। अब इसे क्या करना है, एक बार हमने बना लिया है, अब इसे हमें क्या करना है, कॉम्पोनेंट बना देना है। कॉम्पोनेंट टू क्रिएट किया इसे, ठीक है। और बस इसे नॉर्मली अब क्या करना है, हमें मल्टीपल कॉपी कर लेना, ठीक है। एक्स फाइव एंटर, ये जैसे पाँच हो गए, और ये एक्स फाइव एंटर, ये हो गए नॉर्मली बस। अब देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है पफी सा, इसमें भी वैसे ही बना हुआ है ना, बिल्कुल पफी। तो आउटर एजेस आपको जो मर्जी है वैसे दे सकते हैं, और मैं इसी चीज़ को वहाँ डाल देता हूँ ताकि दोबारा फिर से ना बनाऊँ, ठीक है। किसी भी एक में आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए, ये देखिए इनकी हाइट कम कर लेते हैं, बस हो गया। आपको जो कलर देना है, जो शेप देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं,
और आप देखिए बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं किसी विदाउट किसी प्लगइन या एक्सटेंशन की मदद से। मुझे पता है कि क्लॉथ वर्क की मदद से काफ़ी अच्छे से और इजीली जल्दी बना सकते हैं, लेकिन वो पेड है और हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। और कई लोग तो एक्सटेंशन पता भी नहीं है कि कैसे कर सकते हैं, तो मैं वो किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कैसे प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।